हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए देखने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर के बटन दबा के सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हम जो भी टेक्निकल वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले वो आपके पास में भेज दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वो है जिन्होंने नया ज्वाइन किया है अभी, उनका जो छूट गया है कुछ मीटर के बारे में। अच्छा अच्छा, वो जो अभी कनेक्ट होने वाले हैं उनको कराना है। अच्छा, हार्डवेयर का? हाँ हार्डवेयर का। अब जो जुड़ जाएंगे वो सीख लेंगे इसमें भी। हाँ चलो चलो। कैमरा आपको है ना, ऑन कैमरा। आप भी ऑन कर लेना कैमरा। कैमरा ऑन करके रख लेना सब। लगा लू। हाँ तो देखिए प्रसाद जी, उनको आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप अपना कैमरा ऑन कीजिए सबसे पहले। हाँ जी कैमरा ऑन कीजिए। हाँ जी कर रहा हूँ सर। अभी भेजा ग्रुप में अभी। हाँ माइक बंद कर दूंगा। दोबारा भेजें। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको कल बताया था मल्टीमीटर के बारे में, हाँ जी सर, तो मल्टीमीटर दिख रहा है आपको यहाँ पे? हाँ जी सर दिख रहा है। सही मीटर है जो आपको। ठीक है अब ये जो मल्टीमीटर है यहाँ पे देखिए ऑफ होगा ये जी। दिख रहा है मीटर? हाँ जी दिख रहा है सर। आर बड़ी दो बार छोटा पी। अल्ताफ तुम्हें पासवर्ड ना पता? क्या आदमी है यार। माइक किसके खुल रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे जो है मीटर आपका ऑफ है जी। अब यहाँ पे जो डायोड जो है आपका और बीप मोड, इस पर मीटर आप लेके जाएंगे इस तरीके से, मीटर आपका ऑन होगा। हाँ जी सर। अब इसके बाद ये जो सेलेक्ट का बटन है यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो गया। ये आवाज बंद कर लो। आवाज आवाज किसकी आ रही है? ठीक है दिख रहा है ये? जी जी ये हमारा आ गया बीप मोड पे जी। यहां से चेंज करेंगे तो पहुंचेगा हमारा डायोड मोड पे। ओके
ठीक है, ये मीटर ना थोड़े महंगे पड़ते हैं लेकिन अच्छे होते हैं रिपेयरिंग के लिए। अब डायोड मोड पे है क्या कि आप इनके दोनों प्रोबों को इस तरीके से शॉर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे बीप नहीं मिलेगा। आप बीप मोड पे लेके जाएंगे, बीप आ रहा है, देखो सुनाई आ रहा है या नहीं ये बताओ। जी जी आ रहा है सर। तो यहाँ पे ये जो मीटर है, अब यहाँ पे जो है आपका एसी वोल्टेज चेक करेंगे, जो वोल्टेज के साथ में एक लाइनिंग है यहाँ पे जो मैंने बताया था कल, यहाँ पे आप जितना भी चेक करेंगे एसी वोल्टेज होगा और यहाँ पे जितना भी होगा डीसी चेक होगा। जी यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। जो आपका रिंगर होता है ठीक है ना, मैं आपको रिंगर स्पीकर दिखा देता हूँ यहाँ पे। जी ठीक है, आपका रिंगर ना इस टाइप से बड़े बड़े जो होंगे ना वो इस तरीके से मिलेंगे, काफी बड़े होते हैं और ये कितने प्रकार इनके बहुत सारे मिलेंगे आपको देखने को, काफी तरीके से होते हैं रिंगर जो है। और ईयर स्पीकर जो होता है आपका पीसीबी के इस तरीके से छोटा होगा ये। जी जी अब इन दोनों की टेस्टिंग के लिए आपको मीटर जो है बीप मोड पर लगाना है और लगाने के बाद मीटर में आपके में साउंड आता है और साउंड के साथ में वैल्यू आनी चाहिए ठीक है। जी जी वहां पे आपकी वैल्यू आती है और यहाँ पे चेक करेंगे कितना वैल्यू मीटर को। मैं बीप मोड पर लगाता हूँ यहाँ पे, हमें स्पीकर के जो दो वायर हैं उन पे लगा के आपको इस तरीके से चेक करना है। इस तरीके से बीप आना चाहिए, यहाँ पे बीप आ रहा है, मैं मीटर में भी आपको एक बार दिखाऊंगा। ये अल्ताफ चलाएंगे, वो उनसे पूछा वो चला के देंगे। नेट लगा दो इनके में, देखिए यहाँ पे बीप आ रहा है और बीप के साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू हमारी ज्यादा आ रही है। जी जी ठीक है ना, 30 के करीब आ रहा है इसमें। और आप इसे यहाँ से मोड चेंज करते हैं, इसका डायोड पे लेके जाते हैं तो 0.024 वैल्यू आपको मिलेगा। तो इसका मतलब हमारा इसी स्पीकर या रिंगर ठीक है, यदि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आती तो ये आपका जो है खराब होता है। देखिए स्पीकर जो आपका बीप करता है तो बीप तो आपकी कहीं भी आ जाती है ठीक है ना, जैसे कि लाइन शॉर्ट होगी तब भी बीप मिलेगा। जैसे कोई वायर है, मान लो एक जैसे चिमटी है, इस पर मैं एक मीटर का प्रयोग यहाँ लगाता हूँ, एक इस पर लगाता हूँ तो बीप भी यहाँ पे आनी चाहिए। देखिए बीप आ रहा है और यहाँ पे जो है इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पे कोई रीडिंग देखने को नहीं मिलेगा ठीक है। अब इसके अंदर रीडिंग नहीं है जो हमने स्पीकर चेक किया था, वापस चेक कराता हूँ एक बार। ये बंद कराओ, ये ये गाने किसके हैं? बंद करो। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आ रहा है, दिख रहा है वैल्यू? मैं लाइट जला देता हूँ यहाँ पे। दिख रहा है वैल्यू? जी जी
ये जो वैल्यू आ रहा है और यहाँ पे बीप मोड पे लेके जाते हैं तो साउंड आएगा, लेकिन साउंड के साथ में देखिए वैल्यू आ रहा है हमारा, ठीक है। यदि ये स्पीकर खराब होता है तो बीप के साथ यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देता, और रीडिंग मोड पर ले जाने के बाद डायोड पे यहाँ पे कोई रीडिंग आपका नहीं आता। जी समझ में आया यहाँ तक? जी जी इस तरीके से आपको रिंगर स्पीकर की टेस्टिंग करनी है और माइक की भी आपको करनी है। यहाँ पे जो है जो आपका माइक होता है ये, ठीक है ना, इसमें आपको डायोड पे चेंज कर चेक करेंगे। यहाँ पे डायोड मोड में मीटर को लगाना है, लगाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से चेक करेंगे, वैल्यू नहीं आ रहा है यहाँ पे, वायर को पलटना है। यहाँ पे वैल्यू हमारा 1600 के आसपास, ठीक है ना, ये हमारा माइक ठीक है। माइक में एक साइड वैल्यू आना चाहिए वन साइड, दूसरी साइड से नहीं आना चाहिए, तो ये हमारा माइक जो है ठीक है। चल जाएगा वाईफाई होगी उसके, चलता वाईफाई कहाँ उसके ऊपर रखिए, ऊपर मॉनिटर के ऊपर सामने देखो। माइक की टेस्टिंग समझ में आई? एक साइड रीडिंग आनी चाहिए। जी और रिंगर स्पीकर का समझ में आ गया जी, और मल्टीमीटर का ये सारा कुछ। अब यहां तक आपको कुछ पूछना है? रिंगर स्पीकर का जो मैंने बताया था, रात के सुबह में प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल आपको बता दिया है, तो यहाँ तक कुछ रिंगर में या स्पीकर में टेस्टिंग में या मल्टीमीटर में कुछ यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो या कुछ पूछना चाहती हो तो आप पूछ लो, यहाँ तक जितना बताया है। सर ये जो रीडिंग आता है ना सर, ये इसमें अभी ये जो जिसमें मतलब अभी टेस्टिंग का पॉइंट अवेलेबल है उसमें वो आता है ना सर, जो बोर्ड पे फिट किया हुआ है उसको तो निकालना पड़ेगा क्या सर? नहीं वहां पे भी आना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ना आप जैसा कि किसी पीसीबी में चेक करते हैं तो वहां पे आपका माइक लगा होना चाहिए। जी जैसे कोई नोकिया का जो रहता है ना माइक, उसमें वो सर्कुलर माइक रहता है। हाँ। सर्कुलर माइक रहता है और वो बोर्ड पे फिट किया हुआ रहता है सर, मतलब जो फिट किया हुआ रहता है। जब हम मीटर के दोनों पैरों यहाँ पे लगाते हैं तो हम पीसीबी को चेक नहीं करते, वो हमारी टेस्टिंग हो रही है माइक की। हाँ जी हाँ जी, तो उसमें माइक की चेक करते हैं। उसमें पीसीबी की रीडिंग नहीं दिखाएगा वो ऐसे में? नहीं पीसीबी की नहीं दिखाएगा, पीसीबी की जब दिखाता है ग्राउंड के साथ में चेक करते हैं। जैसे मैं सर आपको दिखाऊंगा कुछ, मेरे पास भी एक है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये दिख रहा है क्या सर आपको? ये जो है इस पे ये जो लगा हुआ है ना सर, ये जो लगा हुआ है जैसे ये सादा वाला बोर्ड है मेरा, लेकिन इस पे ये लगा हुआ है जो गोल माइक है ना सर, अलग टाइप का माइक है वो कुछ। हाँ ये माइक है ना, पिन वाला माइक है, इसके अंदर फोल्ड है। हाँ शायद माइक ही है सर, वो माइक ही है ना सर, वो माइक ही है। इसके सीधा आगे रेजिस्टेंस से हुई ना चेक तो आगे सप्लाई जाएगी ना सर। इसका चेकिंग कैसे करेंगे सर? हाँ खाली नाम क्या आगे सर्किट से रेजिस्टेंस से जी? यहाँ पे जो है जो माइक लगाया ना आपका पीसीबी के अंदर, हाँ जी, तो जो माइक है आपका वो पीसीबी के अंदर इन बिल्डर, क्योंकि आप वहाँ चेक नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे ना कोई आपका टेस्टिंग पॉइंट नहीं दिखा रहा, उस कंडीशन में वहाँ से उतारना पड़ेगा। हाँ जी निकालना पड़ेगा उसके बाद। जी जी हाँ उतारने के बाद आप उसे चेक कर सकते हैं।
हाँ, उसे उतारने के बाद ही चेक करेंगे वहां पे जो। और आप जैसा कि अभी मैंने दिखाया था कि मीटर से माइक को हमें चेक करना है, ठीक है ना जी सर। अभी अभी वैसे ही मैंने, मेरे पास और एक चीज है, जैसे अभी स्पीकर जो है मेरा, कोई कोई फोनों में स्पीकर जो है उसका लाल और काला वायर दो रहता है ना सर, वायर दो रहते हैं। हाँ सर, तो स्पीकर जो है वो सॉकेट में बैठा हुआ है, वो मतलब जो अपना प्लास्टिक का कवर रहता है ना उसमें बैठा हुआ है, उसका वायर निकला हुआ है और वो जो वायर है वो बोर्ड पे जाके कहीं सोल्डिंग हुआ है उसका, कनेक्टेड है तो। हाँ हाँ जी, तो अभी अभी जो अभी जो जो रीडिंग बताए गए थे सर, जो मतलब स्पीकर के जो रीडिंग आते हैं, हाँ हाँ तो क्या वो उस कंडीशन में भी वही दिखाएगा क्या सर? वही वही दिखाएगा क्या? या पीसीबी में उसको माइक निकालना पड़ेगा बोर्ड पे से? नहीं, निकालने की जरूरत नहीं है जी, उसमें निकालने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि जैसे कि एक माइक हाँ, है, ठीक है, ये सही जो है सर, माइक वही है बोर्ड है आपका, सर, बराबर। हाँ वही बोर्ड है जो आपके हाथ में है। तो आप आगे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर कोई हमारा टेस्टिंग पॉइंट नहीं है इसमें। जी, यदि टेस्टिंग पॉइंट नहीं है तो आप चेक नहीं कर सकते ना। यदि टेस्टिंग पॉइंट नहीं है तो चेक नहीं करेंगे। तो आपको करना क्या है, ये यहाँ से हाँ जी उतारना सर, पड़ेगा। उतारने के बाद जी ही इसके जो माइक पीसीबी से अलग करेंगे तब तो इसके दो पॉइंट मिलेंगे। हाँ जी सर, जब उन दो पॉइंटों से आप उसको टेस्ट कर सकते हैं कि माइक हमारा खराब है या सही, ठीक ओके ओके है ना। जी सर, जी और सर, ऐसे ही हम जब टेस्टिंग करते हैं ना, आप पीसीबी में चेक कर रहे हैं, तो वो आपका माइक भी या स्पीकर हो, जब उसके दोनों पॉइंटों पे आपको लगा के चेक करना है, तो आप सिर्फ चेक क्या कर रहे हैं, रिंगर, स्पीकर या माइक। हम पीसीबी पे अभी नहीं पहुंचे वहां पे जो है। ओके ओके सर, ओके। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नहीं, समझ में आया? तो हाँ जी सर, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आया। जैसे कि अब आप जैसे किसी पीसीबी पर टेस्ट करते हैं किसी माइक को या रिंगर को, तो आप जो मीटर के दो वायर लगाते हैं ना, जैसे कि हमारे मीटर के दो वायर हैं, जी आप पीसीबी से निकाल के चेक करेंगे तब भी माइक को या स्पीकर को चेक कर रहे हैं, और पीसीबी इंटरनली चेक कर रहे हैं तब भी आप माइक को ही चेक कर रहे हैं, क्योंकि आपने दोनों वायर लगाए हैं, रिंगर स्पीकर है माइक के ऊपर, उसके कनेक्शन जहाँ पे, ठीक जी है ना, वही तो चेक कर रहे हैं ना उसको सिर्फ। हाँ जी, हाँ, तो यहाँ तक ओके है, ठीक ओके सर, बिल्कुल ओके। है। अब मैं आपको एक लिंक दूंगा यहाँ पे ऑफलाइन का, हाँ जी सर, ठीक है ना, उसमें आपको अच्छे से देखना है, और वहां पर कुछ नोट्स हैं जो बताए गए हैं, वो आपको वहां पे नोट्स आपको तैयार करने हैं अपने, ओके सर, ओके। ठीक है ना, नोट्स जो आपको रेडी करने हैं आपको एक नोटबुक में, और वहां पर कंफ्यूजन है कोई तो आप मेरे को बताइए, फिर मैं आपको जूम ऐप से यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ओके सर, ओके ओके, कोई प्रॉब्लम क्योंकि नहीं। जूम ऐप से होगा क्या, क्योंकि जैसे यहाँ से क्लास को बंद करेंगे ना, तो आपका वीडियो भी खत्म हो जाए, हाँ जी सर, और जो हम प्राइवेट वीडियो आपको भेजेंगे ना, वो वीडियो आपके पास में प्राइवेट जो है आप लाइफ टाइम रहेगा, आप उस लिंक खत्म भी होता है तो आप मेरे को कहेंगे दोबारा भेज दो, तो उस लिंक को दोबारा भेज के आप क्लास वहां से भी ले सकते हैं। तो दोनों चीजें आपके पास में, जूम ऐप से भी ओके सर, कराएंगे ओके, नो आप, प्रॉब्लम सर, है ना, दोनों तरीके से आपको जो अच्छे से हो जी जाए। जी सर, तो आप पुणे में किस जगह से हैं? जी सर, सर मैं पुणे में हडपसर करके एरिया है वहां पे रहता हूँ, अच्छा, हड़प सर करके एरिया है सर वहां पे। तो मैं आपको ना भेजता हूँ अभी ऑफलाइन लिंक, हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक है ना, लेकिन आप उसमें से नोट्स जरूर रेडी करने हैं अपने जो। जी, नोट्स नोट्स मैं बना रहा हूँ सर, दूसरा हाँ ये नोट्स अभी जो है, कल जो बताया था आपने उसका भी लिख के लिया हूँ मैं। हाँ क्योंकि जूम ऐप में होगा क्या, जैसे क्लास बंद करेंगे, आपका जो भी कुछ सीखा है आपके माइंड में जो सेट है, आप बंद उसको रेडी कर सकते हैं। बंद हो जाएगा, बराबर है सर, बराबर है, कोई प्रॉब्लम हमने नहीं। ना प्राइवेट वीडियो इसलिए के शूट करके रखे हैं क्योंकि आपको जैसे कि दोबारा हाँ देखते हैं तो जी उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। जी बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं अब आपको ना लिंक देता हूँ इससे, जूम ऐप से बंद करा के, ठीक चलेगा सर, सही है, है ना। शाम को भी क्लास रहेगा ना सर? हाँ, शाम को भी कराएंगे, आप जैसे समय मिलता है मैं आपको कराता रहूँगा।
चलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको लिंक भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जी जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, जब मैं प्राइवेट लिंक देता हूँ आपको करना है। जी जी सर, आपको नोट्स का वीडियो या फिर क्लिप बना के भेजता हूँ मैं सर। हाँ हाँ वो भेज देना, फोटो भेज देना। चलेगा सर, चलेगा, ठीक है, ओके सर, ओके।